दोस्तों, इस ब्लॉक में आपको जो भी कुछ देखने को मिलेगा सिर्फ हम बताएंगे और आप देखेंगे, क्योंकि इसमें हम वॉइस ओवर करके रिकॉर्डिंग किए हैं। क्योंकि ये गांव का हटिया है दोस्तों, आगे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा क्यों मैं वॉइस ओवर किया हूं। चलिए दोस्तों, अपना ब्लॉग यहां से स्टार्ट करते हैं। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ अपने गाँव के हटिया, जो कि बहुत सुंदर दोस्तों हटिया लगता है हमारे गांव में। मिथिला हटिया नहीं दोस्तों, अभी मैं इसी दुकान पर खड़ा हूँ जहाँ पे मेरे चाचा का लड़का दुकान करता है, और मैं इसी रोड से जाऊँगा और अभी आपको ले चलूँगा अपने हटिया के पास। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा और हम यहाँ से चलेंगे डायरेक्ट अपने हटिया। तो ये मिथिला का हटिया है दोस्तों, मिथिला हाट नहीं, अपने गाँव का हटिया है दोस्तों, और उसे भी आपको मिथिला हाट भी ले चलेंगे। चलिए दोस्तों, हम इधर से ही निकलेंगे, देख सकते हैं। तो हम लोग चल दिए हैं, तो देख सकते हैं बस घर से कुछ ही दूरी पे हैं दोस्तों। हमारे यहाँ ब्लॉग बनाने का कोई मकसद नहीं था, पता नहीं हमें नहीं लगा, अब मैं आपको बता ही देता हूँ। चलिए थोड़ा पहले आप चलते हैं आगे, उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं हटिया के बारे में। देख सकते हैं यहाँ पे भैया है, भाई हेलो कीजिए पहले, दुकान कर रखा है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं, मैं हटिया पहुंच चुका हूं अपने चौक पे। देखिए ये जो साइड में गोलगप्पे वाला है ना, तो चलिए दोस्तों मैं अपना ब्लॉग यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो दिखा रहा हूं ना दोस्तों, ये है कॉलेज, हमारे गांव का कॉलेज, गाँव में कॉलेज बन रहा है कॉलेज। और ये पीपल का पेड़ है, और अपना ब्लॉग हम यहीं से स्टार्ट कर रखे। देख सकते हैं कि देखिए इधर से ही हम जाएंगे इधर ही, और ये गौरी शंकर हैं जो कि खोला ही दुकान है। देख सकते हैं हमारे गांव में, देखिए ये क्या है पता है, देखिए ये भी दुकान खोल रखे हैं। बहुत लोग दोस्तों हमारे गांव में दुकान खोल रखे, बहुत लोग। देखिए मिठाई का दुकान मिलेगा इधर, राहुल टेंट हाउस वगैरह मिलेगा। देखिए चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और मैं पता है अपना मोबाइल थोड़ा जो है नीचे कर रखा हूँ, क्योंकि अगर ऊपर करेंगे ना तो समझ ही रहे हैं ना। चलिए ये क्या है, देखिए ये गांव घर में दोस्तों बिकता है, ये वाला अधिकतर हटिया पे तो रहता ही है। देखिए सब्जी वगैरह बहुत सारे हैं दोस्तों, भीड़ तो बहुत काफ़ी ज़्यादा थे। देखिए ये क्या है, सब्जी सोजन, ये क्या है। आइए थोड़ा बढ़ते हैं आगे, देखिए। और हाँ दोस्तों, आपको मैंने पहले बोल दिया ना कि जो है हम जो है वॉइस ओवर कर रखा हूँ, क्योंकि कल हम गए थे मार्केट हटिया, तो हुआ पता ही क्या था, वहाँ पे डीजे बज रहा था दोस्तों, पता ही चल आपको पता ही होगा ना, जो ब्लॉग बनाता है उसी को पता होता है कि दोस्तों ब्लॉग बनाता बाते समय अगर किसी का अगर गाना भी अगर हल्का सा मिस्टेक्स अगर उसमें गाना में रिकॉर्डिंग हो जाता है ना, तो बहुत समस्या है, चलो कॉपीराइट ही दे देता है, मार देता है। और देखिए यहाँ का रुपेश टेंट हाउस हमारे गाँव में है दोस्तों। देखिए प्याज आलू बहुत है दोस्तों, देखिए बैगन है, ये टमाटर मिर्ची परवल, और चलिए थोड़ा आगे देखिए हल्दी मसाले। देखिए चलिए अब थोड़ा हम इधर से दोस्तों गांव चले गए हैं रोड, और ये भी चले गए उधर, और ये इसका तो जेबी ट्रेलर्स का बनाए थे दोस्तों। चलिए हम थोड़ा चलते हैं अपने स्कूल की तरफ, जहाँ की भगवान मंदिर है दोस्तों। चलिए चलिए थोड़ा हम बढ़ते हैं और आगे, देखिए यहाँ पे चप्पल जूते की दुकान है, यहाँ पे क्या है मुढ़ी कॉफी दिल्ली। चलिए अब अंदर चलते हैं दोस्तों, देखिए अंदर का तो अंदर से बाहर का नज़ारा कुछ और है। और ये जो मेन गेट है ना, ये है स्कूल का गेट, और सामने जो आपको दिख रहा है ना, अभी आपको दिखाएंगे दोस्तों। देखिए देखिए हम चले आए अंदर, देख सकते हैं ये जो साइड में है ना, ये सब स्कूल है, और स्कूल का ब्लॉग हम बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे, अभी अगले ब्लॉग में दोस्तों हम डालेंगे ब्लॉग बना के, क्योंकि वहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं खुद से बोलूँ, खुद से बताऊँ दोस्तों, पता है, नहीं तो वॉइस ओवर करके मज़ा नहीं आता ब्लॉग बनाने में ना। तो देखिए देखिए हम जो बोल रहे हैं ना दोस्तों, ये जो बगल में है ना मेरे साइड में, ये भाई है हमारा छोटा, तो बोल रहा था आपका क्या,
तो बोलिए। मैं बोला यार नहीं बोल सकता, कॉपीराइट मार देगा, दिक्कत है। फिर देखिए यहाँ पे आज जो है प्रोग्राम हुआ था, जो भी लड़का लड़की या फर्स्ट किए थे ना उसका जो है प्राइज वगैरह मिला था। हाँ, और ये मंदिर है जो कि हमारे गांव में है, देख सकते हैं बहुत बड़ा विशाल मंदिर है। इसके बारे में ब्लॉग बनाएंगे, अभी नए अगले ब्लॉग में हम लाएंगे। हाँ, और ये जो है ना, हाँ चलिए, ये मंदिर है दोस्तों। इस मंदिर के बारे में तो हम बनाएंगे क्योंकि हमारे गांव में दिसंबर के महीने में दोस्तों लाखों की संख्या में भीड़ रहता है यहाँ पे। अब क्यों रहता है इसके बारे में हम बताएंगे। देखिए थोड़ा स्कूल पे भी जो है कॉस्मेटिक दुकान लगा लेते हैं। देखिए निकलते हैं आप जरा हम बाहर, बाहर की साइड निकलते हैं। ये भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, शाम हो रहा था ना, इसलिए अब पता है ना गांव में जब शाम होता है समझो दुकान सारा जो है मार्केट बंद ही कर देता है लोग। चलिए हम जरा चलते हैं, जिधर से आए थे उधर से निकलते हैं। एक रामचंद्र चाचा की एक जो है दुकान है दोस्तों, दवाई का दुकान, चलिए उनसे मिलते हैं। बहुत दिन से मिले नहीं है, देखिए क्या रिएक्शन होता है वहाँ पर जाके। चलिए जैसे हम निकल गए हैं, बस पहुँच गए हैं। देखिए अब ये देखिए, अब आ गए हम रामचंद्र चाचा की दुकान, दो दवाई की दुकान है दोस्तों। देखिए देखिए चाचा खड़े हैं, हंस रहे हैं। चलिए थोड़ा हम दिखा दे दुकान, देखिए इनका ये दुकान है और बहुत बढ़िया दुकान है दोस्तों, बहुत बढ़िया आदमी भी है। देखिए मेरे गांव में देखिए दवाई का कुछ दुकानें हैं, यहाँ पर बैठते हैं शाम को। उनका ये लड़के हैं जो कि अभी बैठे हैं फिलहाल में, अभी मैं ब्लॉग बना रहा था तो इनको पता नहीं कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अब इसको पता चल गया कि रिकॉर्डिंग कर रहा है ये। चलिए देखिए देख कैसे रहा है। चलिए दोस्तों मैं आ गया हूँ यहाँ पे जहाँ पे मेरा ब्लॉग स्टार्ट हुआ था अपने चाचा के लड़के की दुकान पे, तो यहीं से अपना ब्लॉग एंड करना चाहते हैं, देख सकते हैं। चलिए दोस्तों ब्लॉग कैसी लगी, अगर दोस्तों अगर ब्लॉग आपको अच्छी लगी ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट तत्व के लिए, जय।